वी आर लाइव। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, सबको गुड मॉर्निंग। इट विल बी नॉट पॉसिबल टू टेक एवरीवन्स नेम बट आई विल ट्राई। अर्पित, साकेत, मनीषा, बहुत सारे बच्चे दोस्तों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनटू द चैट बॉक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि सर आज क्या हो रहा है, हम तो क्विज के लिए आए थे, लेकिन आज तो आप कुछ बैकग्राउंड अलग, कुछ अलग अवतार में। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं और अंशुल सर लेकर आ रहे हैं हमारी बाहुबली टीम को, ऑफ ग्रुप टू, इन ऑर्डर टू मेक अ सुपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए। आप लोग सब लोग को आइडिया है हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए इनडेफिनेटली, और कहीं ना कहीं द एग्जाम्स विच वर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑन द 22nd ऑफ मे फॉर इंटरमीडिएट, वो अब कहीं ना कहीं दैट इज नॉट गोना हैपन बिफोर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इफ द थिंग्स गेट टू नॉर्मलसी। अब बात ये आती है कि कौन इस टाइम रिलैक्स हो जाता है, कौन इस टाइम धीरा पड़ जाता है, या इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए वो स्ट्राइक करता है आयरन व्हेन इट इज रेड हॉट। आज उसी पर्पस के साथ हमारी ग्रुप टू की टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आई है, विच नन ऑफ यू कैन अफोर्ड टू मिस आउट। दे विल बी कमिंग इन अ वाइल। जब तक मैं आप लोगों से बात करूंगा और मैं अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर उन्हें भी इन्वाइट करूंगा ऑन टू द स्क्रीन। अंशुल सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू, क्योंकि ये वो लीडर है हमारे टीम के, हमारी बाहुबली टीम के, जिन्होंने काया ही पलट दी है फॉर दिस टीम, जिन्होंने कहीं ना कहीं एवरी सिंगल डे हु वर्क्स 24/7 इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जब बाहुबली टीम आप लोगों के सामने पहुंचे तो दे आर इन द बेस्ट पॉसिबल वे डिलीवरिंग द कंटेंट। अंशुल सर, गुड मॉर्निंग टू यू, एंड आपको यहां पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच रे भाई, थैंक यू सो मच। और आपका क्या इंट्रोडक्शन दूं मैं सर? बच्चे ऑलरेडी चॉकलेट बॉय लिखना चालू हो गए, पापा सर लिखना चालू हो गए, क्या सिनोनिम्स कमाए सर आपने। आई एम रियली मतलब मेस्मराइज्ड, क्या सिनोनिम्स बन गए हैं सर आपके, जबरदस्त सर। द कर्टेसी, द ऑनर गोज टू यू फॉर दिस, द चॉकलेट बॉय, द पापा एंड एवरीथिंग, जो ये आप ही ने मेरे नाम रखे हैं और बच्चे मेरे को फिर प्लस क्लास में भी छेड़ते हैं, पापा सर आ गए, तो बहुत अच्छा भी लगता है। सर, जैसे ये ग्रुप टू का एक जो नया बैच लेकर आई है हमारी ग्रुप टू की टीम, कहीं ना कहीं इट इज मोर लाइक अ सेकेंड वेव, जो मुझे लगता है कि भारत देश में जब फर्स्ट वेव आई तो एवरीबडी वॉज सो कॉशियस, मतलब इट इज लाइक अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटरमीडिएट, और शुरुआत में जब वो पढ़ाई चालू करता है तो वो पूरी एनर्जी से करता है, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है, उसे ये लगता है यार इंटरमीडिएट इज जस्ट सेकंड लेवल, और वो बहुत अच्छे से उस चीज को टेक केयर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ग्रुप वन की तैयारी हो जाती है, इंटरमीडिएट से यूज टू हो जाता है, तो वो ग्रुप टू को बड़ा लीनियंटली ले लेता है, जस्ट लाइक द सेकंड वेव ऑफ कोविड एंड यू नो हाउ मच द हैवॉक इट इज क्रिएटिंग। सो योर opinion on that sir? Sir, सबसे पहले तो right now you know if you look around us there lot of negativity around us, कहीं पे कोई positivity है ही नहीं। मैं सर सुबह से 7 बजे से classes ले रहा हूँ, foundation की class चल रही थी और मेरे पीछे इतनी ज्यादा ambulances की आवाज आ रही थी, बार बार बच्चे कहते हैं अब पुलिस आई। मैंने कहा बेटा पुलिस नहीं आई है, ambulances जा रही है। Situation is very bad sir. In fact मैं यहाँ पे आज श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा हमारे फ्रेटर्निटी के, एक बहुत बड़ा नुकसान लॉस हुआ है कल, आप सभी को पता है सर, द फादर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए डॉक्टर डीएस रावत सर इज नो मोर विद अस एंड ही हैज पास्ड अवे ड्यू टू कोविड। तो ये हम सभी को पता है कि सर ये बहुत बड़ा लॉस है, आए दिन हम सब लोगों के आसपास में बहुत नेगेटिविटी है, बट सर मैं सच बता रहा हूँ ये सारी अनसर्टेनिटी की एग्जाम होगी नहीं होगी, कब होगी क्या होगी, इसके बीच में यार बच्चों से एक्सपेक्टेड एक ही है कि वो अपनी तरफ से मेहनत करें। सर बच्चे तो मेहनत करते आए थे, आए हैं और करते रहेंगे आगे भी, लेकिन आपको पता है सर वो लोग जो जिंदगी में सीए बन चुके हैं, अच्छा खासा यू नो
एक स्टैचर अचीव कर चुके हैं, दे आर वेरी वेल टू डू एट देयर ओन प्लेस. मतलब मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ सर. वेन एवर आई से दिस वर्ड बाहुबली टीम सर, आई फील वेरी प्राउड. आई फील वेरी 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 प्राउड दैट कि बाहुबली टीम का हर एक मेंबर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है. बच्चों यार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वी ऑल आर वर्किंग मेटिक्यूलसली डे एंड नाइट सो दैट वी कैन मेक योर टुमोरो बेटर देन योर येस्टरडे. और अगर आप इसकी आधी भी मेहनत कर लो ना, 50% भी मेहनत कर लो, जेन्युइन मेहनत, मैं आपको बता रहा हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकती. जो बच्चे मई 2021 में एग्जाम देने वाले थे, अब उनकी एग्जाम मई में तो नहीं होगी ये तो सर्टन है, जून में होगी या नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं है. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है. ये आप मान के चलो टेंटेटिवली अगर आपकी एग्जाम हुई तो जुलाई में होगी, उससे पहले नहीं होगी. बट दैट डजंट मीन्स आप पढ़ाई ना करो, और दैट डजंट मीन्स आप सिर्फ ग्रुप वन पढ़ो, ग्रुप टू पे फोकस ना करो. मुझे लगता है ये जो एडिशनल समय आप लोगों को मिला है ना, यू शुड टैप दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर ग्रुप टू. और आपकी इस जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए हमारी बाहुबली टीम फॉर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू आप लोगों के लिए एक नई उम्मीद, एक आशा की किरण लेके आ रही है, उम्मीद की बैच लेके आ रही है. तो मैं उस बैच को अनाउंस करने से पहले सबसे पहले हमारे ग्रुप टू के स्टॉलवर्ड्स को यहाँ इन्वाइट करना चाहूंगा. अन अकेडमी का जब ये सफर मैंने श्रेय भाई ने और बियानी सर ने साथ में स्टार्ट किया था, हमको नहीं पता था कि ये सफर कितना लंबा होगा और इसकी इसकी अचीवमेंट्स कितनी बड़ी होने वाली है, उपलब्धियां कितनी बड़ी होने वाली है. हमारे इस सफर में हमारे साथ बहुत ही शुरुआती दौर में जुड़ी एक ऐसी हस्ती जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने और श्रेय सर ने पहली बार उनसे बात की तो हमें लगा यार ये इतने बड़े टीचर हैं, क्योंकि जितनी हमारी दोनों की एज है, श्रेय सर की एज प्लस अंशुल सर की एज, उतने अटेम्प्ट के बच्चों को वो पढ़ा चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली वो स्वाति मैम के भी टीचर रह चुके हैं. सो हमने कहा कि यार ये कैसे होगा, बट यू नो उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दिया दैट एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर. इंसान यंग और ओल्ड जो होता है ना, वो अपने दिल और दिमाग से होता है, ना कि अपने टैंजिबल बॉडी से होता है. सो देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, आपकी तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करने वाले द वन एंड ओनली जे एस बत्रा सर. ओवर टू यू सर, गुड मॉर्निंग. थैंक यू श्रेय सर, थैंक यू अंशुल सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. और बिल्कुल आपने सही कहा, मैं मानता हूं कि बाहुबली टीम के हमारे तीन पिलर्स हैं, अंशुल सर, श्रेय सर और हमारे विक्रम बियानी सर. और इन्होंने जब इस टीम को शुरुआत किया था तो वाकई इस टीम के बारे में हम नहीं कह सकते थे कहां तक जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अंशुल सर ने इसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया है, श्रेय सर ने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया है, आज हम इस टीम को इस तरीके से देख पा रहे हैं. और मैं तो सही कह रहा हूँ आपको, फेस टू फेस बहुत पढ़ाया मैंने, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का मजा मुझे अनअकैडमी पे आया है, इसको तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ. और जिस तरीके से बाहुबली टीम आज पूरे भारत भर में नाम कर रही है, फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, उसमें हमारे सारे टीम मेंबर्स का बहुत अच्छा योगदान है, और ये टीम भावना के तहत हम लोग सब काम किया करते हैं. तो थैंक यू अंशुल सर एंड थैंक यू श्रेय सर फॉर इन्वाइटिंग मी. और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नए बैच की जर्नी. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. दोस्तों आप लोगों को मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि सूचना देने वाले को कहते हैं सूचक. क्या कहते हैं? सूचना जो देता है उसको कहते हैं सूचक. लेकिन हमारे पास इतने तेजस्वी सूचक है कि नागपुर ऑरेंज सिटी से बिलोंग करने वाले नोरा फतेही के साथ बड़ी चर्चाओं में घिरे रहने वाले वन एंड ओनली द मोस्ट एलिजिबल बैचलर तेजस सूचक सर. ग्रुप वन वालों के लिए चेहरा नया नहीं है, कम ऑन सर, देखो चेहरे पे रोशनी तो देखो, कितनी रोशनी है चेहरे पे सर. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तेजस सर. गुड मॉर्निंग अंशुल सर, गुड मॉर्निंग श्रेय सर, गुड मॉर्निंग बत्रा सर, और यहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. जैसे कि यहाँ पे श्रेय सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास लाइफ ने एक सिचुएशन दी है तो वी नीड टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन बी लेथार्जिक और वो सिचुएशन को हम वर्सन होने दें. तो हमारे पास यहाँ पे ICAI ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको एक्स्ट्रा डेज मिले हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए.
rather than becoming lazy and laid back और ये time को हाथ से निकलने दे, we should make the most of it. और group one के साथ साथ अब जरूरी है कि हमारी preparation में हम group two को भी जोड़ दे. So this is a golden opportunity for all you guys कि आप मेहनत अपनी double करें और उसमें चार paper के साथ साथ अगले चार भी जोड़ के आठों paper निकालने का एक साथ प्रयास करें. What say Anshul sir? बिल्कुल सही कहा सर आपने. ऑनेस्टली सर मैं पता है इंटर में हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ये ग्रुप सिस्टम नहीं होता था. इनफैक्ट वी यूज्ड टू स्टडी 14 टू 15 सब्जेक्ट्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम. कभी ये ग्रुप के बारे में सोचा नहीं, कभी किसी ने ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, क्योंकि अब इंटर में ऑप्शन मिलता है तो हम इस बारे में सोचते हैं. चर्चा हमारी कंटिन्यू रहेगी. लेकिन अब सर जब हम कहते हैं नागपुर, नागपुर द सेंटर ऑफ इंडिया है ना, नागपुर एक ऐसा शहर जो सिर्फ संतरों के लिए नहीं और भी कई सारी चीजों के लिए फेमस है. पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं एजुकेशन वाइज भी बहुत एक्टिव है. हमारे टीम में दोस्तों एक एक ऐसा फूल खिला है इस नागपुर का जिसने अपनी खुशबू सिर्फ इंटरमीडिएट ही नहीं बट अपनी खुशबू सीए फाउंडेशन में भी फैला रखी है. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ व्हाट अ पर्सनैलिटी ही इज. एब्सोल्युटली एनर्जेटिक, एब्सोल्युटली रॉकिंग, एंड बच्चे उनको प्यार से कहते हैं एमवी सर. वैसे अगर आप उनको देखोगे आपको नाम सुन के लगेगा एमवी सर मतलब बहुत अच्छी खासी उम्र होगी, लेकिन जब आप उनको देखोगे तो यस ऐसा कुछ नहीं है. सो आपकी तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहता हूं द वन एंड ओनली मोनीश वोरा सर फ्रॉम नागपुर. सर वेलकम सर, गुड मॉर्निंग टू यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन. यस सो गाइस, जैसे कि आप सबको अभी बता हमारे सारे टीचर्स ने कि ग्रुप टू जो हमारा जो ग्रुप टू होता है सीए इंटर में वो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड होता है. स्टार्टिंग में जब भी बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है वो पहले ग्रुप वन पे ही ध्यान देता है, फोकस देता है. लेकिन अब जब एग्जाम्स पोस्टपोन होने वाली है तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है कि आपका थोड़ा सा फोकस ग्रुप टू पे भी शिफ्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने ग्रुप वन में बहुत ज्यादा पढ़ाई की होगी एंड अब आपका फोकस ग्रुप टू पे जाना चाहिए. एंड अभी समय भी आपके पास काफी अवेलेबल है, तो इसलिए हमारी पूरी बाहुबली टीम ने आपके लिए संजीवनी बूटी बैच लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसकी पूरी जानकारी आपको तेजस सर देंगे. तेजस सर प्लीज अगर आप वो शेयर कर सके आप हमारा शेयर. यस सर, पहले मैं एक बार इनवाइट कर देता हूँ बाकी दोनों टीचर्स को, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार की कोई सरहदें नहीं होती है, लेकिन हम इसमें थोड़ा एडिशन कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं. प्यार की और एजुकेशन की कोई सरहदें नहीं होती है ना. पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके. ये बात बिल्कुल फैक्ट है. हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है यार, मैं आपको सच बता रहा हूं कि बच्चे हमें दूर दूर से देखते हैं, दूर दूर दूसरे देशों से देखते हैं. बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, ओमान से है, दुबई से है, कुवैत से है, मस्कत से है, नेपाल से है. तो जब बच्चे हमें वहां से देखते हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अन अकेडमी अपने एजुकेटर्स के खोज में नेपाल पहुंच जाए. हाँ जी दोस्तों, आई वुड लाइक टू वेलकम विद योर राउंड अप्लॉज द वन एंड ओनली अ यंग एनर्जेटिक एंड अ वेरी वेरी फैंटास्टिक टीचर फ्रॉम काठमांडू नेपाल, सीए दीपिका राठी मैम. ओवर टू यू मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, everyone. Good morning to all these students. Sir ke introduction se, I'm really happy that main yahan se aap logon ko padha pa rahi hu. Even I feel really proud that I'm a part of this team. And to start with, main aap logon ko ek poem se start karna chahungi. So rahe ho to jagana hamara kaam hai. जाग रहे हो तो पढ़ाना हमारा काम है, और अगर पढ़ रहे हो तो रिवाइज कराना हमारा काम है. रिवाइज कर रहे हो तो मोटिवेट कराना हमारा काम है. आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट के बाद खुश होना हम दोनों का काम है. राइट, जबरदस्त. बच्चों आप लोगों के लिए अभी, क्योंकि आप लोगों के पास अब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, इसलिए इस बैच को आज हम लॉन्च करने वाले हैं ताकि आप अपने टाइम को बेस्ट मैनर में यूटिलाइज कर सके. कहीं भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी लैग नहीं करना है, आगे बढ़ना है. अगर ग्रुप वन की प्रेपरेशन हो गई तो अब ग्रुप टू की स्टार्ट करनी है. मैं अगर स्टूडेंट होता था ना आपका, तो मैं ये कहता था सो रहे हो तो जगाना हमारा काम है, और फिर मैं कहता था
उठने के बाद वापस सोना हमारा काम है. मतलब बच्चे इतने नॉटी होते हैं, इतने शैतान होते हैं. दैट्स रियली फैंटास्टिक मैम, बहुत ही जबरदस्त मैम, बहुत ही जबरदस्त आपने प्रोवर्ब से स्टार्ट किया. एंड आई कैन लुक एट द कमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, रियली मैम, ऑडिट क्वीन दीपिका राठी, फैंटास्टिक मैम, देयर कैन नॉट बी एनी बेटर एडजेक्टिव देन दिस. दोस्तों अब मैं आपके सामने लेके आता हूं एक और ऐसी शख्सियत, एक और ऐसी हस्ती जो कि आपको ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे बट कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे. आपको पता है व्हाट मेक्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेज इज दैट इन दिस कोर्स फ्यू बुक्स आर नॉट जस्ट व्हाट यू हैव टू रीड एंड स्टडी, द एंटायर वर्ल्ड इज योर टीचर. जब आप आर्टिकलशिप करते हो यू गेट एक्सपोज एंड यू हैव टू स्टडी सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग. So, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अपने प्रैक्टिकल नॉलेजेस शेयर करेगा और उससे आपको पढ़ाएगा. दोस्तों जालना महाराष्ट्र से मैं स्वागत करना चाहता हूं अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ वेरी डियर फ्रेंड, द वन एंड ओनली सीए सीएस दर्शन जैन. वेलकम सर. गुड मॉर्निंग ऑल द एजुकेटर्स. गुड मॉर्निंग दोस्तों. Yes, guys, everyone has said that exam postponement has given you a wonderful opportunity to shift your focus on Group 2 as well. So, guys, going forward, we have 40 days. We have 40 days and each and every educator at Group 2 has planned his content so meticulously for over next 40 days that going forward for your examination, you will have a lot of confidence. And yes, we are going with a motto, Apki Bar, Jeetu Par. So let's have fun for the next 40 days, guys. That will give you a lot of confidence. Over to you, sir. Thank you so much, sir. So ab sir, mujhe lagta hai, Shreya sir, ab aapki aur meri bolne ki baari nahi hai. Ab hume ye jo sama hai, ye handover kar dena chahiye Batra sir ko. Batra sir, it's your moment now. It's the moment of Group 2 team. Over to you, sir. Please announce the badge. थैंक यू वेरी मच अंशुल सर एंड श्रेय सर. आप लोग जो है ना हमारी सीए फ्रेटर्निटी के वो दो चमकते हुए धूमकेतु हैं जिनको आने वाले वर्षों तक भी बच्चे याद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो लोग मेहनत किया करते हैं उन्हें एक ना एक दिन वो मुकाम हासिल हो जाता है. एंड यू आर ऑन टू दैट पर्टिकुलर जर्नी. तो आप दोनों को एडवांस में बहुत बधाई. मेरी इस बात को आज याद रखना, 8 मई की बात है और बहुत जल्दी ये सब कुछ होते हुए पाया जाएगा. जिस तरीके से आप टीम को बांधे रखते हैं, जिस तरीके से आप एक एक पे ध्यान रखते हैं, इट इज रिमार्केबल. तो बात करते हैं, जैसा अंशुल सर और श्रेय सर ने कहा है, हम लाए हैं आप बच्चों के लिए ग्रुप टू में संजीवनी बूटी बैच. जब फाउंडेशन टीम ने अपने बैचेस को अनाउंस किया था और इंटर में श्रेय सर ने अपने बैचेस को अनाउंस किया था, तो हम ग्रुप टू में भी सारी फैकल्टीज आपस में डिस्कस करते थे कि हमें भी कुछ करना चाहिए. तो सारी फैकल्टीज, तेजस सर, दीपिका मैम, मोनी सर, दर्शन सर ने बार बार इस बात को रिटरेट किया कि सर हमें भी ग्रुप टू के लिए बहुत कुछ करना चाहिए. सो वी हैव अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स और उसके बाद हम आप लोगों के लेके आए संजीवनी बूटी बैच. जिस तरीके से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की मूर्छा को भंग करने के लिए संजीवनी बूटी का प्रयोग किया था, उसी तरीके से बच्चों की मूर्छा जो ग्रुप टू के बारे में हमेशा बनी रहा करती है, और आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एज एन एजुकेटर, आप भी इस बात को मानेंगे कि ग्रुप टू हमेशा नेगलेक्टेड रहा करता है. दर्शन सर ने इस बात को बिल्कुल कहा भी है. तो हम जो आने वाले 40 दिन है आपके, इसमें हम लोग ग्रुप टू के बारे में फोकस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को साथ में लेते हुए आपकी तैयारियों को करवाएंगे. और ये मान के चले जो आपको मिलने वाला है और ये पावर पैक जो सेशन मिलेगा बाहुबली टीम के द्वारा, आपको ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला है. तो मैं चाहूंगा तेजस सर आप जरा उस टाइम टेबल को शो कर दीजिए स्क्रीन पे ताकि बच्चों को हम ये जानकारी दे सके हम क्या करने वाले हैं. तो ये रहा बच्चों आपके लिए संजीवनी बूटी बैच फॉर मे 21. ये आएगा यूट्यूब के ऊपर. मैं एक एक चीज को दोबारा से बताता जा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. बैच का नाम है संजीवनी बूटी बैच फॉर मे 21. ये आएगा यूट्यूब के ऊपर. इट इज एब्सोल्यूटली फ्री. कई बच्चे कहा करते हैं कि सर क्या ये लेक्चर्स वहां रहेंगे. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं अनअकैडमी की प्रैक्टिस है, एक बार जब हम यूट्यूब पे डाल दिया करते हैं तो कंटेंट परमानेंट रहा करते हैं. हमारी आदत नहीं है कि हम एक बार डालें और उस यूट्यूब पे वीडियो को वापस से हटा लें. यूट्यूब पे ये वीडियो परमानेंट रहने वाले हैं आपके लिए. ये शुरू होने जा रहा है 10 मई से और ये जाएगा 20 जून तक. करीब 40 दिन का बैच है. सो इट इज अ बैच ऑफ 40 डेज. कौन कौन पढ़ाने वाले हैं आपको, आपको मालूम है. आपको पढ़ाने वाले हैं तेजस सूचक सर, एडवांस अकाउंट. समय रहेगा दोपहर में 2 से 3 बजे. सभी यूट्यूब पे होने वाले हैं. दीपिका राठी मैम पढ़ाएंगे ऑडिट 3:30 से 4:30 पे.
मैं आपको पढ़ाने आऊंगा ये SSM दोपहर में 12 से 1 बजे सबसे पहले और बीच में 4:30 से 5:30 बजे दो बार। मोनिश बोरा सर पढ़ाएंगे आपको FM और EFM 1 बजे से लेकर 2 बजे तक और दर्शन जैन सर पढ़ाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक। और हमारा नारा है इस बार ग्रुप टू पार, और ये केवल नारा नहीं रहने वाला है, हमने पिछली बार कर दिखाया था इसको, तो इस बार भी हम कर दिखाने वाले हैं। ओवर टू यू अंशुल सर। सर आई थिंक हमें मोनिश सर को पहले एड्रेस करने देना चाहिए क्योंकि मोनिश सर इज हैविंग अ प्लस बैच। मोनिश सर ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस जैसे कि आप सबको सर ने हमारा टाइम टेबल शेयर किया है राइट, तो हम हमारे इस बैच में सारे टीचर्स जो है अपने अपने सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ FM एंड EFF तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग टॉपिक जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो उसे उसके सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद रेशियो एनालिसिस का चैप्टर आपको पढ़ा के दूंगा एंड देन इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पूरा 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 रिविजन में आपको करवा के दूंगा। एंड मेरे साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरे साथ साथ हमारे प्यारे दर्शन जैन सर भी आपको हेल्प करेंगे बाकी सारे चैप्टर्स में। मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी हमारे संजीवनी बुटीक बैच में। फैंटास्टिक सर। मोनी सर थैंक यू सो मच। सर मैं एक एक करके एजुकेटर के पास आता हूँ। मोनी सर आपकी क्लास है, यू कैन डेफिनेटली लीव द सेशन। दर्शन सर क्योंकि बात चल रही है FM के बारे में और यहाँ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसको एड्रेस करें कि ये रेगुलर बैच है या रिवीजन बैच है और ये कौन से अटेम्प्ट के लिए। तो ओवर टू यू दर्शन सर, कैन यू प्लीज इलैबोरेट अबाउट योर सब्जेक्ट सर। यस सो गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस बैच इज entirely for examination that has been postponed. So guys, jo abhi May ya June mein, we will refer it as a May 21 attempt and this is specifically for May 21 students. Going forward with FM, jaise ki bataya hai MB sir ne, he will be guiding you with capital budgeting and ratio analysis and baki ke jo important topics hai like working capital management, we have cost of capital, we have capital structure, we have account receivables management, we have dividend decisions. See guys, everyone of us have analyzed all the past papers, have analyzed weightage of each and individual topic, and we have planned our content to include most important questions, RTP questions, past year questions and RTP questions, MTP as well. So guys, the plan has been devised according to the situation that 40 days should give you enough confidence going forward and attempting for an exemption. If we talk about my paper 8. Yes sir. Fantastic sir. So sir, अब मैं order में आता हूँ और सबसे पहले मैं start करता हूँ paper number 5 advanced accounting के साथ। तेजस सर, can you please share your strategy for paper 5? श्रेया सर बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स को मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि लाइक दर्शन सर जस्ट सेड, दिस इज फॉर द मे 21 और जून 21 अटेम्प्ट जैसा हम बोले, विच विल बी एड्रेस्ड ओवर ईयर एज मे 21 अटेम्प्ट। तो जो मे 21 के स्टूडेंट्स है, 10th ऑफ मे से आपके लिए एडवांस्ड अकाउंटिंग के सारे इंपॉर्टेंट रिविजन होने वाले हैं, वेदर इट बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वेदर इट बी चैप्टर्स, combine that with RTP, MTP, past exam papers, everything that is important from exam point of view will be covered over here. So the most important accounting standards yahan pe aapke cover karwaye jayenge, jo aapke chapters mein sabse important aur sabse zyada jahan pe students ko doubt aata hai wo cheez yahan pe karwai jayegi. And after that guys, we'll be starting with RTPs, very important for exam, MTPs again very important for exams. Aur fir hame ye cheez janna zaruri hai ki kya hum exam ke liye actually prepare hue hai, so we will move on to past exam papers. To advanced accounting ka ye plan follow karke we will make sure ki hum June 21 ya July jab bhi ye exam ho tab tak iske liye fully prepared ho jaye. Fantastic. Over to you sir. Thank you so much sir. Tejas sir, paper number 6 hai beta auditing and assurance, and I will request Deepika ma'am to please guide the students on your subject ma'am. हेलो बच्चों, तो जैसे आप लोगों को पता है ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी सब्जेक्ट में मोस्टली बच्चों की कंप्लेन रहती है कि मैम हम स्कोर नहीं कर पाते हैं या उतने मार्क्स हमें नहीं मिलते हैं। तो बच्चों ये जो बैच हमने डिजाइन किया है वो इसी तरीके से डिजाइन किया है कि हमारे पास अभी 40 डेज है, उतना हमें पता है कि अभी कोविड की इंडिया की
अगर हम सिचुएशन देखें तो अभी एग्जाम थोड़े डाउटफुल लग रहे हैं कि मई में तो नहीं होंगे फॉर श्योर, जून होंगे तो जुलाई में होंगे. तो ये टाइम को हमें बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करना है. जैसे मैंने बोला ये 40 डेज का, जैसे आपको दर्शन सर, तेजस सर ने भी बताया, हम इस बैच को इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों के टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज कर सके. और हमने इस बैच को इस तरीके से डिजाइन किया है कि मैक्सिमम पोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम इस बैच में लाने वाले हैं ताकि आपके इस 40 डेज को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लें. और हम भी अपना बेस्ट देने वाले हैं इस बैच में, और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी क्लासेस में आएंगे और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. और हम इस बैच में बिल्कुल भरपूर MCQs, भरपूर वर्चुअल टेस्ट करने वाले हैं, RTPs को रिवाइज करने वाले हैं, ताकि आप इस बार, जैसे हमने, हमारा ये स्लोगन है इस बैच का, अब की बार ग्रुप टू पार, और डेफिनेटली होने वाला है ये. फैंटास्टिक मैम, सच बता रहा हूँ बच्चों, यार आप, मेरे को ये सब देख के लग रहा है कि इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो अब की बार ग्रुप टू पार तो डेफिनेटली हो ही जाएगा. अंशुल सर आप म्यूट. मैं बिल्कुल सही कहा मैम, आपकी बात सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ कि बच्चों यार आपको यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अपॉर्चुनिटी है ये चीज की कि यार एग्जाम अगर पोस्टपोन हो रही है तो अब आपको ये जो एडिशनल टाइम मिल रहा है ना, यू कैन डेफिनेटली यू नो लाइक एज दे सेड, अब की बार ग्रुप टू पार आप कर सकते हो विद दिस बाहुबली टीम. और पेपर नंबर 7 EISSM, बत्रा सर मैं आपके पास आता हूँ विद नोइंग योर स्ट्रेटेजी इन दिस बैच फॉर पेपर नंबर 7. बिल्कुल अंशुल सर, बच्चे ग्रुप टू में अगर मैं बात करूं तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, और आप भी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे थे तो आपको मालूम है दो सब्जेक्ट में बड़े हैवी वेट होते हैं ग्रुप टू में, जिनको अगर निकाल दिया तो मतलब ट्रॉफी हासिल हो जाती है. उसमें से एक सब्जेक्ट है ESSM और दूसरा सब्जेक्ट है ऑडिट. एक को मैं टेक केयर कर रहा हूं और दूसरे को टेक केयर कर रही है दीपिका मैम, क्योंकि इन्हें बच्चा थ्योरेटिकल पेपर मानता है, एडवांस अकाउंट में वो प्रैक्टिकली कर लेता है, दर्शन सर के पास वो प्रैक्टिकल कर लेता है, लेकिन हमारे पेपर में थोड़ा वो अटक जाया करता है. तो हम थोड़ी सी विशेष स्ट्रैटेजी लाए इन अगले 40 दिनों में बच्चों के लिए कि उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए जाए, ताकि उनके किसी तरीके से एग्जामिनेशन तक के मार्क्स की हम लोग कोशिश कर सके. और इसके लिए हम MCQ सीरीज लाएंगे, केस बेस्ड MCQ शुरू करने जा रहे हैं, वर्चुअल टेस्ट लाने जा रहे हैं, पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ उन्हें टिप्स भी देते जाएंगे हाउ टू राइट द एग्जाम. और मैं कोशिश करूंगा हम सभी लोग जो पुराने टॉपर्स रहे हैं उनके भी कुछ इंटरव्यूज इन 40 दिनों में कर सके, नॉन जो है टेक्निकल सेशंस में या स्ट्रेटजी सेशंस में, ताकि बच्चों को पता चल सके. और हम कोशिश करेंगे सभी अपने अपने सब्जेक्ट की उन कुछ कॉपीज को आपको डिस्प्ले कर सके, जिनमें पता चले आपको स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है. बच्चा पढ़ बहुत लेता है लेकिन उसको ये पता नहीं चलता एग्जामिनर उसको चेक कैसे करता है, और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता वो पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. वो कहता मैं तैयारी तो बहुत करके गया था. मेरे पास रोज ही, अंशुल सर बिलीव नहीं करेंगे, श्री सर, रोज ही कई बच्चों की कॉपी आती रहती है कि सर आप चेक करके बताओ हमारी कमी कहां रहेगी, क्योंकि हम ICIC से तो फेल हो चुके हैं. तो हम देखते हैं स्टेप वाइज मार्किंग में वो कहां कम रह रहे हैं. तो हम कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट की कॉपी इन्हीं सेशंस में स्ट्रैटेजी करके आपको बताई जाए, ताकि आप बच्चों को ये भी इनसाइट मिल सके कि क्या लिखने से नंबर मिलते हैं और क्या नहीं लिखने से नंबर नहीं मिला करते हैं. और इसीलिए हम इन 40 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं. और आप बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि अगर आपका टीचर आपके लिए 100% दे रहा है तो आपसे भी अपेक्षा है कि आप अपना 100% दे दे और बाकी की चिंता हम पे छोड़ दें. क्योंकि हम हमेशा कहा करते हैं अगर आपने हमारे पे चिंता छोड़ दी है तो फिर वी विल टेक केयर एवरीथिंग. मैं बात हमेशा कहा करता हूं अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है. तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर दो ग्रुप आप दे रहे हैं तो ये मान लें कि आपकी एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आप एफर्ट्स बढ़ाएंगे तो ये मान के चले कि आपको चीजें भी वैसी ही मिलेंगी जैसे आप एक्सपेक्ट किया करते हैं. क्योंकि सफलता हर एक को तभी मिला करती है जब उसके प्रति वो एफर्ट्स किया करते हैं. कभी परिस्थितियों की हाथों की कठपुतली न बने. कोविड की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है. हम में से कई लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, अब कैसे पढ़ेंगे, घर परिवार में सबके हैं. यहाँ इस फ्रेम में मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं कभी ना कभी कोविड की सिचुएशन से निकल के आए या उनका परिवार का कोई एक मेंबर निकल के आए. और हम लोगों ने कभी क्लासें पढ़ाना नहीं छोड़ा है. और इस बात को हम लोग तारीफ करने के लिए नहीं कह रहे, हम ये बताने के लिए कह रहे हैं कि जब आपके टीचर्स का इतना डेडिकेशन है कि कोविड में रहते हुए भी वो पढ़ा सकते हैं, तो बेटा आपको भी अपने में वो डेडिकेशन डेवलप करना पड़ेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो. हमें एग्जाम देने हैं, हमें एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है. तो कभी परिस्थिति के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं. मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है. अगर आपने अंदर से ठान लिया यू कैन डू एवरीथिंग तो आप कर पाएंगे. आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, इस समय वीडियो में बहुत सर्कुलेट होते हैं,
एंटीबॉडी आपके शरीर में कब बनती है? जब आप खुश होते हैं, जब आप अपने माँ बाप से बात कर लेते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, अपने बड़ी से बात कर लेते हैं, अपने जिनसे भी आपको बात करना अच्छा लगता है। तो अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपके टीचर अच्छे लग रहे हैं, तो उनकी क्लासों में चले आओ। पढ़ाने के साथ साथ ये गुड फीलिंग डेवलप करना हम अनअकैडमी का काम है, हम बाहुबली टीम का काम है, और हम आपके शरीर में पढ़ाई के साथ ही अच्छी एंटीबॉडी भी डेवलप कर देंगे। ओवर टू यू अंशुल सर। थैंक यू सो मच सर। सो बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको इस बैच के बारे में पूरी डिटेल्स पता चली गई होगी। जैसे कि सर ने कहा, ये बैच है एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of May। लेकिन नवंबर 2021 के जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं, जो बच्चे हमें यहाँ देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप बाहुबली टीम के साथ अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी पूरा करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, हमारी ऑलरेडी एक बैच चल रही है सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की फॉर नवंबर 2021, विच इज हेल्ड ऑन एवरी फ्राइडेज एंड सैटरडेज। और दो, इन द मंथ ऑफ जुलाई our Bahubali team is definitely going to come out with another dedicated plus batch for November 2021. So Tejas sir, मैं आपसे request करता हूँ कि क्या आप बच्चों को बताएंगे कि अगर उनको Unacademy Plus के subscriptions लेने हैं तो वो किस तरीके से ले सकते हैं? बिल्कुल सर, Tejas sir, एक बार last time वो time table दिखाने के बाद आगे चले जाएं। जी सर, बत्रा सर, पहले एक बार टाइम टेबल यहाँ पे शो कर देता हूँ सर, आप बच्चों को एक बार टाइम टेबल, बच्चे चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें सर। यस सर, द टाइम टेबल इज नाउ विजिबल टू द स्टूडेंट्स। सो लाइक द टाइम टेबल सेज, सबसे पहले एडवांस्ड अकाउंटिंग रहेगा 2 PM to 3 PM ऑन यूट्यूब ग्रुप 2 चैनल, फॉलोड बाय ऑडिट बाय दीपिका मैम फ्रॉम 3:30 to 4:30। उसके बाद बत्रा सर की हमारी क्लास होती है, उनका ये दिन का सेकेंड सेशन रहता है 4:30 to 5:30 और उनका फर्स्ट सेशन रहता है 12 PM to 1 PM। एंड उसके बाद FM और EFF की हमारी दोनों फैकल्टीज आती है, पहले मोनीश वोरा सर जो 1 से 2 बजे आपकी क्लास लेंगे एंड दर्शन जैन सर जो 6:30 to 7:30 PM आपकी क्लास लेंगे। राइट गाइज, सो मेक श्योर कि आप सभी लोग इस चीज का स्क्रीन शॉट ले लें, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब इसी के साथ मैं स्टूडेंट्स को ये चीज बताना चाहूंगा कि गाइज, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर द अनअकैडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपके लिए जो बैचेस होती है उसका कवरेज अनपैरेलल्ड होता है, बहुत ही एग्जॉस्टिव कवरेज होता है, एक सिस्टमैटिकली स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड पूरी बैचेस होती है। यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास पे आप लोग देख सकते हैं कि यू हैव फैकल्टीज टीचिंग यू सब्जेक्ट्स, यू हैव फैकल्टीज कमिंग टू यू एंड गिविंग यू कंटेंट दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। बट वहां पे एक चीज जो मिसिंग है कि सारी फैकल्टीज एज अ होल, एज अ टीम आपको पूरा कोर्स प्रेजेंट करती है, और मैं फुल और रेगुलर कोर्स की यहां पे बात कर रहा हूं। ये जो कमी आपकी फ्री क्लासेस पे आती है, अन अकेडमी प्लस एन आइकॉनिक पे ये कमी आपकी पूरी हो जाती है। एंड यहां पे आपको पूरी टीम के साथ पूरा कोर्स इन अ सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजाइज मैनर पढ़ने मिलता है, जिसमें आपको फ्रॉम द ए टू द जेड एवरी सिंगल थिंग अबाउट द कोर्स इज कवर्ड। और ये आप प्लस एंड आइकॉनिक ज्वाइन करने के लिए unacademy.com पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए या ऐप पे जाइए। आप देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पे ऊपर सीए इंटरमीडिएट आपको दिख रहा होगा, दैट इज योर गोल, चूज दैट गोल। और वो गोल चूज करने के बाद ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन इज गेट सब्सक्रिप्शन। Once you click on get subscription, आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको प्लस चूज करना है या आपको आइकॉनिक चूज करना है। These are the two options you have. आप दोनों में से जो भी ऑप्शन चाहे वो चूज कर सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक। एंड ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन, अगर मैं प्लस की बात करता हूं तो आई विल क्लिक ऑन सिलेक्ट प्लस। प्लस पे मैं जाता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू सब्सक्राइब, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड नीचे आपको व्यू ऑल प्लान्स भी मिलेंगे, जिसमें 3 मंथ्स एंड 1 मंथ का ऑप्शन भी आपके पास आ जाता है। बट आई वुड सजेस्ट द लॉन्गर द सब्सक्रिप्शन इट इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे आप यहां पे देख सकते 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको केवल 27,000 में पड़ता है। एंड गाइज, इसमें आप कोई भी बाहुबली टीम के मेंबर का कोड लगा दीजिए, इट इज नॉट 27,000, इट कम्स डाउन टू इवन लेस। जैसे मैं यहां पे दीपिका मैम का कोड लगाता हूं CADEEPIKA और इसको मैं करता हूं अप्लाई,
तो आपको इमीडिएटली 10% ऑफ सभी पे मिल जाता है. एंड नाउ द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन हैज कम डाउन टू 24,300 फ्रॉम 27,000. सो दिस इज इफेक्टिवली 1,000 रुपीज पर मंथ, जिसमें आपको ऑल 8 सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा, मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिलेगा, मल्टीपल फैकल्टीज का एक्सेस मिलेगा, सबके लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिलेगा. And not to mention कि ये जो क्लासेस है ये आपके पास फुल सब्सक्रिप्शन पीरियड तक रहती है. देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइम यू कैन व्यू दिस क्लासेस. ऑब्वियसली लाइव क्लास तो एक ही बार हो सकती है, बट उसके बाद रिकॉर्डेड आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं. एंड यहां पे आप दीपिका मैम के कोड के साथ बाकी सारी फैकल्टीज का भी कोड लगा सकते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल फैकल्टीज की एक बार आप सभी अपना कोड यहाँ पे स्टूडेंट्स को बता दीजिए. यस सर, बत्रा सर से स्टार्ट करते हैं. बत्रा सर, मेरा कोड है, मेरी जर्सी का नंबर, बत्रा सर की जादू की छप्पी, बत्रा 10. फैंटास्टिक. यस सर, श्रेय सर, मेरा कोड भी बहुत आसान है, जैसे बत्रा सर का सरनेम बत्रा, मेरा सरनेम राठी, उसके आगे भी 10 लगाए, तो मेरा कोड है राठी 10, RATHI 10. Fantastic. तेजस सर, आपने दीपिका मैम का बता दिया, आप अपना कोड भी बता दीजिए. राइट, तो यहाँ पे दो लोग का सरनेम से कोड आ गया, तो किसी का नाम से भी कोड आना चाहिए. तो माय कोड इज तेजस 10, TEJAS 10. यू कैन यूज इट एंड गेट योर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन एन एकेडमी. आई एम गेटिंग द न्यू कोड नोरा 10. आई थिंक दैट विल बी मोर. सर ये ऑफिशियली को अप्लाई कर दिया हूं इसके लिए, लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस. फैंटास्टिक. दर्शन सर. यस सर. Yes, guys, to get the discount, put my code as BKJ10. Yes, BKJ10. Fantastic. या फिर दोस्तों आप मेरा नाम कोड की तरह यूज कर सकते हैं. सिंपली यू कैन यूज ANSHUL अंशुल. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस विद दिस अस ऑन दिस वंडरफुल सेशन. थैंक्स द एंटायर बाहुबली टीम. थैंक यू दीपिका मैम, तेजस सर, बत्रा सर, दर्शन सर, श्रेय सर. और दोस्तों जाने से पहले आपसे सभी से इतना कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि आप लोगों का हाथ नहीं छोड़ेंगे और आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे. करेक्ट. तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं एक पोज हो जाए सभी बच्चों के लिए ताकि बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले सके. यस माय डियर फ्रेंड्स, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, ये वादा है आपसे. और सबको ये कहना चाहेंगे, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद. Good day all of you. Happy Sunday. Thank you so much.